जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिग्बल के बारे में। षड्बल में दिग्बल कैसे देखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्थान बल की बात की थी, तो अगला लेते हैं दिग्बल। कोई भी ग्रह कुंडली में किसी विशेष स्थान पर बैठ जाता है तो वह दिग्बली हो जाता है। वो दिग्बली कैसे होगा उसे देखते हैं। हमारी जो जन्म कुंडली होगी, लग्न कुंडली, उसमें यदि पहले भाव में बुध या गुरु बैठ जाए तो वह दिग्बली कहलाता है। बुध और गुरु अगर बैठ जाएं तो वह दिग्बली कहलाते हैं, चाहे एक बैठे या दोनों बैठे तो दिग्बली कहलाता है। ठीक इसी प्रकार दसवें भाव में यदि सूर्य या मंगल या दोनों बैठ जाएं तो दिग्बली कहलाते हैं। सप्तम भाव में यदि शनि बैठ जाए तो वह भी दिग्बली कहलाता है। और दशम भाव, चौथे भाव में चंद्र और शुक्र, चंद्र या शुक्र दोनों में से कोई एक बैठ जाए या दोनों बैठ जाए तो वह दिग्बली कहलाते हैं। इन भावों में यदि ग्रह बैठेगा तो वह दिग्बली हो जाएगा। वो बाद में देखेंगे ऊंच का है नीच का है, वो एक अलग इशू है। यहां पर हमें दिग्बल का बल कैसे निकालना है षट्यांश में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम दिग्बल का बल निकाल लेंगे तो वह जो बल आएगा वो दशा में हमें कैसा फल देगा। यदि शुभ है तो शुभ फल देगा, अशुभ है तो अशुभ फल देगा। उसके बल, वह अपने बल के हिसाब से फल देगा। तो मान लो किसी कुंडली में मिथुन लगन है और लगन का भाव मध्या, लगन 2 डिग्री, 2 राशि 20 मिनट, दो राशि 20 डिग्री का है, तो लगन का भाव मध्या 80 अंश हुआ। 2 राशि को हमने 30 से गुना किया और जमा किया उसमें 20, तो हमारा लगन का भाव मध्या 80 हुआ। ठीक उसके सातवें भाव का भाव मध्या 260 हुआ, क्योंकि आमने सामने होंगे तो उनका 180 का डिफरेंस होगा, तो उसमें हमने 80 में 180 जोड़े तो 260 हुआ। दसवें भाव का भाव मध्या हमें निकालना पड़ता है। दसवें भाव का भाव मध्या हुआ हमारा यहां पर जैसे 340 डिग्री, यानी दसवें भाव का भाव मध्य है मीन राशि का 10 डिग्री। यदि मीन राशि की 10 डिग्री है तो दसवें भाव का भाव मध्य बनेगा 11 गुना 30 जमा 10, 340। और चौथे भाव का भाव मध्य कितना होगा, इसमें हम 180 जोड़ेंगे तो बनेगा 160। तो हमने पहले देखा भाव मध्य गुरु और बुध पहले भाव में, भाव मध्य में बलि होते हैं। ठीक इसी प्रकार सातवें भाव में वो बलहीन होते हैं। और शनि को देखेंगे, सातवें भाव में वो बलशाली है, दिग्बली है, और पहले भाव में वो बलहीन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य और मंगल दसवें भाव में बलि, दिग्बली, और चौथे भाव में निर्बली, बलहीन, जीरो। ऐसे ही चंद्र और शुक्र को देखेंगे, यदि वह चंद्र और शुक्र हमारी कुंडली में चौथे भाव में बैठ जाए तो दिग्बली, दसवें भाव में बैठ जाए तो बलहीन हो जाता है। अब ऐसी स्थिति हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट डिग्री पे कोई ग्रह बैठ जाए। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 नंबर लगन जो हमने बनाई अभी उसमें एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा लगन है 2 राशि 20 डिग्री, अर्थात 80 डिग्री का हमारा लगन भाव मध्य हुआ, और शनि बैठा हुआ है चौथे भाव में, उसकी राशि है कन्या राशि है, 20 डिग्री का है। तो कन्या राशि का शनि 20 डिग्री का होगा तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, 5 राशि गुना 30 150 हुआ, उसमें 20 जोड़ देंगे तो हो गया टोटल 170। अब हमारे को पता है कि शनि हमारा 170 डिग्री का है, उसका भोगांश, एक्चुअल भोगांश 170 डिग्री है, और वह बलहीन कहां पर होता है, पहले भाव में। पहले भाव का भाव मध्य कितना है, 80। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भाव का भाव मध्य 80 है, 170 में से जब 80 घटाएंगे तो शेष बचा 90। 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर आया 30 षट्यांश, यानी शनि 60 में से 30 अंक लेकर बली है, 50% शनि बली हुआ। अब इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, गुरु को लेते हैं। गुरु भी कन्या राशि में 2 डिग्री का बैठा हुआ है, तो पहले गुरु के अंश बनाएंगे हम, 5 राशि गुना 30 जमा 2, ये हुआ
150 जमा 2 152, और गुरु निर्बली कहाँ होता है, सप्तम भाव में होता है, सप्तम भाव का हमारा भाव मध्य है 260 अंश, तो 152 में से हमने 260 अंश घटाए तो शेष बचा 108 अंश। 108 अंश को हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा षट्यांश हुआ 36, तो गुरु के षट्यांश हुए 36, यानी 60% बली है गुरु। टोटल षट्यांश 60 होते हैं जिसमें से 36 गुरु ने प्राप्त किए। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं दिग्बल में। सूर्य मान लो दशम भाव में बैठा हो 10 डिग्री का और मीन राशि है वो, तो मीन राशि का 10 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, 11 × 30 = 340, और उसका बलहीन कहां पर होता है वो, सूर्य चौथे भाव में बलहीन होता है, वहां का भाव मध्य है 160 डिग्री। अगर 340 में से 160 घटाएंगे तो शेष बचेगा 180, और इसको षट्यांश में बदलेंगे 3 से डिवाइड करके तो हमारा उत्तर आया 60। तो इस प्रकार आपने ये जाना कि मैक्सिमम 60 षट्यांश हो सकता है, इससे ऊपर षट्यांश नहीं जा सकते, मैक्सिमम 60 षट्यांश हो सकते हैं। तो अब इस कुंडली में जब सूर्य की दशा या अंतरदशा आएगी तो सूर्य दिग्बली है, वो दिग्बल के फल देगा, दिग्बल के फल काफी देगा, काफी मात्रा में देगा, क्योंकि उसको पूरे 60 षट्यांश मिले हैं, पूर्ण बली है, दिग्बली को पूर्ण बली कह सकते हैं हम। जब गुरु की दशांतर दशा आएगी तो वो 60% ही रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि वो 60 में से 36 अंक लेकर बैठा है। ठीक इसी प्रकार शनि की अंतरदशा या दशा आएगी तो वो हमें फल कैसा देगा, 50% फल देगा, अच्छा या बुरा जो भी उस समय उसको फल देना है वो 50% फल देगा। यदि इस कुंडली में गुरु कारक हो तो यहाँ पर वो कारक है तो फल हमें 50% अच्छे देगा। तो इस प्रकार हम दिग्बल से जान जाते हैं कि कौन सा भाव में बैठने से ग्रह का बल कितना होगा, कितने षट्यांश होगा। तो ये गणना हम दिग्बल से ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे मान लो एक नंबर राशि भी आ सकती है जहां शनि बैठा है, और हम ये कह सकते हैं शनि तो नीच का हो गया, या सूर्य की 7 नंबर राशि आ सकती है 10वें भाव में, तो हम कह सकते हैं सूर्य नीच का हो गया। लेकिन ये ग्रह नीच के होने के बाद भी दिग्बली कहलाएंगे और अपने दशा अंतर दशा में अपने बल के हिसाब से फल देंगे। तो इस प्रकार हमने आज जाना दिग्बल दिशाओं से देखा जाता है। पहला जो उसका भाव है वो पूर्व का भाव है, और 7वां भाव पश्चिम का है, 10वां भाव दक्षिण का है, और 4था भाव उत्तर का है। तो दिशाओं के हिसाब से दिग्बल को काउंट किया जाता है, तो इसको हमने समझा, और इसको जब हम फलित में लगाएंगे तब हमें पता लगेगा कि रिजल्ट कितना आता है, क्योंकि हमने यहाँ षट्यांश निकालना सीख लिया, उसका बल निकालना सीख लिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे काल बल की, काल बल को कैसे देखा जाता है लग्न कुंडली से, उसके बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।